So hey everyone, welcome back to our channel again. This is Diksha and you are watching PTS CAT Expert. So आज के इस वीडियो में हम 50 फिट बाई 100 फिट के प्लान को डिटेल वाइज स्टडी करने वाले हैं। ये जो प्लान है ये ईस्ट फेसिंग है और ये प्रोजेक्ट 4600 स्क्वायर फिट के अंदर बना हुआ है। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो कवर्ड एरिया है वो 2900 स्क्वायर फिट एंड बिल्डअप एरिया 6500 स्क्वायर फिट है। इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 40 लाख एंड इंटीरियर कॉस्ट 50 लाख है। तो ओवरऑल इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 90 लाख है। तो इस प्लान की सभी ड्राइंग्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको एसी प्लान, बीम डिटेल्स, बीम फ्रेमिंग, सीलिंग इलेक्ट्रिकल, कॉलम डिटेल्स, कॉलम ड्राइंग, डोर विंडो शेड्यूल, डोर बीम प्लान, डोर बीम सेक्शन, एक्सेवेशन ड्राइंग्स, फुटिंग ड्राइंग, फाउंडेशन डिटेल्स, प्लम्बिंग प्लान, रेनफोर्समेंट प्लान, स्टेयरकेस डिटेल्स, वॉल इलेक्ट्रिकल, वर्किंग प्लान, इस तरह की अराउंड 25 प्लस वर्किंग ड्राइंग मिल जाएंगी। एंड इस प्रोजेक्ट की जो ऑटोकैड फाइल है वो सभी वर्जन के अंदर है, सो आप जो भी ऑटोकैड का वर्जन यूज करते हैं के लिए आप इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ये इस प्लान की स्केचअप फाइल है। तो सबसे पहले हम लोग प्लान को देख लेते हैं। तो ये हमारा वर्किंग प्लान है, ये हमारा ईस्ट फेसिंग रहेगा एंड ये हमारा मेन रोड रहेगा। यहाँ पर आपको दो सेपरेट एंट्रीज मिल जाती हैं। पार्किंग गेट का जो साइज है यहाँ पे वो 11 फिट के अराउंड रखा गया है एंड जो हमारा मेन गेट रहेगा सेकंड गेट उसका साइज यहाँ पर 5 फिट रखा गया है। इसके बाद आपको यहाँ पे पार्किंग एरिया मिल जाता है। पार्किंग एरिया के अंदर आप दो कार को इजीली पार्क कर सकते हैं एंड उसके राइट हैंड साइड में हमारा फ्रंट लोन रहेगा। फ्रंट लोन जो है वो हमारा 21 फिट बाई 3 इंचेस वाइड है एंड यहाँ पर आपको एक टॉयलेट मिल जाता है जिसका साइज 5 फिट बाई 4 फिट रखा गया है। इसके बाद ये हमारी मेन एंट्री रहेगी एंड इसके दोनों ही तरफ आपको दो विंडो दी गई है एंड ये हमारा फोयर एरिया रहेगा। फोयर एरिया का जो साइज है वो 14 फिट 9 इंचेस बाई 9 फिट एंड 9 इंचेस रखा गया है और ये जो फोयर एरिया है ये डबल हाइटेड है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक आर्च मिल जाता है जिसके थ्रू हम लिविंग के अंदर एंट्री करेंगे। लिविंग रूम का जो साइज है वो 18 फिट बाई 19 फिट 7.5 इंचेस रखा गया है। तो लिविंग रूम के अंदर आपको यहाँ पर सोफा सेटिंग मिल जाती है एंड इस पोर्शन के अंदर हमारा टीवी यूनिट रहेगा। इसके बाद ड्राइंग रूम के अंदर हम लोग आर्च के थ्रू ही एंट्री करेंगे। यहाँ पर ड्राइंग रूम का साइज 13 फिट 10.5 इंचेस बाई 14 फिट रखा गया है एंड इसके अंदर भी आपको सोफा सेटिंग एंड इस पोर्शन के अंदर आपको टीवी यूनिट अवेलेबल है। यहाँ पर आपको एक सेपरेट डोर दिया गया है जो कि फ्रंट लॉन के साथ कनेक्टेड रहेगा एंड इस पोर्शन के अंदर आपको वाइड विंडो प्रोवाइडेड है। इसके बाद यहाँ पर आपको स्टेयरकेस एरिया मिल जाता है। स्टेयरकेस का जो साइज है वो 8 फिट 10.5 इंचेस बाई 14 फिट एंड 9 इंचेस रखा गया है एंड यहाँ पर आपको दो डोर मिल जाते हैं। यहाँ एक जो डोर है वो हमारा लिविंग के साथ कनेक्टेड रहेगा एंड एक डोर हमारा फ्रंट लॉन के साथ कनेक्टेड रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको एक बेडरूम मिल जाता है जिसका साइज 12 फिट बाई 14 फिट 10.5 इंचेस रखा गया है। सो ये जो बेडरूम है ये भी डोर के थ्रू फ्रंट लॉन के साथ कनेक्टेड है एंड इस बेडरूम के अंदर आपको ड्रेस एरिया एंड टॉयलेट एरिया भी अटैच मिल जाता है। यहाँ पर ड्रेस का साइज 5 फिट 7 इंचेस बाई 8 फिट एंड 9 इंचेस रखा गया है एंड यहाँ पर वॉशरूम का जो साइज है वो 6 फिट 6 इंचेस बाई 8 फिट एंड 9 इंचेस रखा गया है। इसके बाद यहाँ पर आपको कॉमन वॉशरूम मिल जाता है जिसका साइज 9 फिट बाई 6 फिट रखा गया है एंड यहाँ पर आपको शाफ्ट मिल जाता है जिसका साइज 3 फिट बाई 6 फिट रखा गया है एंड वेंटिलेशन के लिए दोनों वॉशरूम को शाफ्ट के साथ कनेक्ट किया गया है। इसके बाद ये हमारा कटआउट रहेगा जिसका साइज 12 फिट 9 इंचेस बाई 12 फिट 7.5 इंचेस रखा गया है एंड इसके बाद ये हमारा किचन एरिया है। किचन का जो साइज है वो 12 फिट बाई 13 फिट रखा गया है एंड इसको एल शेप के अंदर डिजाइन किया गया है। तो जो किचन है इसके अंदर आपको ड्राई एंड वेट किचन सेपरेट मिल जाता है। यहाँ पर जो वॉशिंग एरिया है उसका साइज 6 फिट 3 इंचेस बाई 8 फिट एंड 3 इंचेस रखा गया है एंड यहाँ से आपको आर्च मिल जाता है एंड ये वाला जो पोर्शन है ये पासेज के लिए है जिसको 4 फिट वाइड रखा गया है। ये जो पासेज एरिया है ये हमारा बैक लॉन के साथ कनेक्टेड रहेगा एंड इस पोर्शन के अंदर टेम्पल को डिजाइन किया गया है।
टेम्पल का साइज 7 फीट बाई 8 फीट एंड 3 इंचेस रखा गया है यहाँ पे। इसके बाद इस पोर्शन के अंदर आपको एक बेडरूम मिल जाता है जिसका साइज 15 फीट 6 इंचेस बाई 13 फीट रखा गया है। एंड यहाँ पर आपको एक वाइड विंडो प्रोवाइडेड है एंड एक सेपरेट डोर मिल जाता है जो कि कनेक्टेड रहेगा हमारा बैक रूम के साथ। इसके बाद यहाँ पर आपको एक स्टडी रूम मिल जाता है जिसका साइज 15 फीट 6 इंचेस बाई 13 फीट रखा गया है। इस बेडरूम के अंदर आप स्टडी टेबल, टीवी यूनिट एंड बेड को इजीली प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर ड्रेसिंग एरिया एंड वॉशरूम एरिया को सेपरेट रखा गया है। यहाँ पर ड्रेसिंग का साइज 9 फीट 4.5 इंचेस बाई 4 फीट एंड 6 इंचेस रखा गया है एंड यहाँ पर टॉयलेट का साइज 9 फीट 4.5 इंचेस बाई 5 फीट रखा गया है। इस पोर्शन के अंदर आपको स्टोर मिल जाता है जो कि फोयर के साथ कनेक्टेड रहेगा एंड यहीं से हमारा वॉशरूम का वेंटिलेशन होगा। तो ये हमारा फर्स्ट फ्लोर रहेगा इस प्रोजेक्ट का। इसके बाद हम लोग एंट्री करेंगे यहाँ से फर्स्ट फ्लोर के अंदर। तो जैसे हम स्टेयरकेस से आते हैं यहाँ पर आपको एक डोर मिल जाता है जिसके थ्रू हम एंट्री करते हैं लिविंग रूम में। लिविंग रूम का जो साइज है वो यहाँ पे 18 फिट बाई 19 फिट 7.5 इंचेस रखा गया है एंड इस पोर्शन के अंदर हमने कटआउट दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आपको ड्रॉइंग रूम मिल जाता है जिसका साइज 13 फिट 10.5 इंचेस बाई 14 फिट रखा गया है एंड यहाँ पर एक डोर है जो कि बालकनी के लिए है। इसके बाद यहाँ पर हमें बेडरूम मिल जाता है जिसका साइज 12 फिट बाई 14 फिट 10.5 इंचेस रखा गया है एंड इस बेडरूम के अंदर आपको ड्रेस एंड टॉयलेट एरिया अटैच मिल जाता है जिसका साइज 5 फिट 7 इंचेस बाई 8 फिट एंड 9 इंचेस है एंड टॉयलेट का साइज 6 फिट 6 इंचेस बाई 8 फिट एंड 9 इंचेस है एंड वेंटिलेशन यहाँ से आपका शाफ्ट के थ्रू हो जाएगा एंड यहाँ पर आपको एक डोर मिल जाता है जो कि बालकनी के साथ कनेक्टेड रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर वही कॉमन वॉशरूम मिल जाता है जिसका साइज 9 फिट बाई 6 फिट रहेगा एंड इसकी वेंटिलेशन के लिए भी यहाँ पर शाफ्ट के थ्रू एक विंडो दी गई है। इसके बाद सिमिलरली जैसे ग्राउंड फ्लोर के अंदर वेट किचन और ड्राई किचन को सेपरेट किया गया था, इस पोर्शन के अंदर भी सेम रहेगा हमारा। यहाँ पर जो किचन है इसका साइज 12 फिट बाई 13 फिट रखा गया है एंड वॉशिंग का साइज यहाँ पर 5 फिट 10.5 इंचेस बाई 6 फिट 7.5 इंचेस रखा गया है एंड ये वाला जो ये हमारा पासेज एरिया रहेगा जो कि बालकनी के साथ कनेक्टेड रहेगा एंड इस पोर्शन के अंदर आपको टेम्पल एरिया मिल जाता है जिसका साइज 7 फिट बाई 8 फिट एंड 3 इंचेस रखा गया है एंड टेम्पल को आर्च के थ्रू कनेक्ट किया गया है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक बेडरूम मिल जाता है इसका साइज 15 फिट 6 इंचेस बाई 13 फिट रखा गया है एंड इस पोर्शन के अंदर आपके काफी बड़े साइज की विंडो एंड एक डोर कनेक्टेड मिल जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको एक और बेडरूम मिल जाता है जिसका साइज सेम रहेगा 15 फिट 6 इंचेस बाई 13 फिट एंड यहाँ पर ड्रेस एंड टॉयलेट एरिया अटैच रहेगा एंड जो वेंटिलेशन है वो यहाँ पर हमारा शाफ्ट के थ्रू हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है एंड ये हमारा मुमती पोर्शन है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ से एंट्री करते हैं यहाँ पर आपको एक ड्राइंग रूम मिल जाता है जिसका साइज 13 फिट 10.5 इंचेस बाई 14 फिट रखा गया है। इसके बाद इस पोर्शन के अंदर यहाँ पर एक बेडरूम है जिसका साइज 12 फिट बाई 14 फिट 10.5 इंचेस रखा गया है एंड इसको भी कनेक्ट किया गया है सिमिलरली बालकनी के साथ एंड इस पोर्शन के अंदर आपको यहाँ पर ड्रेस एंड टॉयलेट एरिया सेपरेट मिल जाता है जिसका साइज 5 फिट 6 इंचेस बाई 8 फिट एंड 9 इंचेस रखा गया है एंड टॉयलेट एरिया का साइज 6 फिट 6 इंचेस बाई 8 फिट एंड 9 इंचेस रखा गया एंड यहाँ पर आपको एक विंडो मिल जाती है। इसके बाद ये हमारा कॉमन वॉशरूम रहेगा एंड जिसका वेंटिलेशन भी यहाँ पर शाफ्ट के थ्रू हो जाएगा एंड ये हमारा कटआउट रहेगा एंड यहाँ से आपको एक डोर मिल जाता है जो कि टेरेस के साथ कनेक्टेड है। तो ये हमारा ओवरऑल प्रोजेक्ट है। तो ये प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अगर आपको इस मॉडल की स्केचअप फाइल या इसकी 30+ वर्किंग ड्राइंग को डिटेल वाइज स्टडी करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है, आप वहाँ से इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही में अगर आपको अपने लिए हाउस प्लानिंग या 3D मॉडलिंग करवानी हो तो उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं एंड अगर आपको सॉफ्टवेयर की प्रोफेशनल ट्रेनिंग चाहिए तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करके अपकमिंग बैचेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।